जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको बाल गोपाल के लिए झूला बनाना सिखा रही हूँ। ये हम इस तरह की लकड़ियों के साथ बनाने वाले हैं। अगर आपके पास इस तरह की लकड़ियाँ अवेलेबल नहीं है घर पे, तो मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में झूला बनाना सिखाया था, आप उस तरह भी इस झूले को बना सकते हैं। इस झूले को हम डेकोरेट कैसे करेंगे ये आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी डेकोरेशन हम उस झूले के अकॉर्डिंगली थोड़ी चेंज करने वाले हैं। ये झूला हम छोटे कान्हा जी के लिए बनाएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितने नंबर के कान्हा जी के लिए झूला बनाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लकड़ियों का साइज ले लीजिए। ये आपको मार्केट से मिल जाएंगी। अगर आप भी इसी तरह की कटिंग वाली लकड़ी लेना चाहते हैं, तो जहाँ से हवन सामग्री का सामान मिलता है आप वहाँ से इस तरह की लकड़ी ले सकते हैं। ये एक तो पतली होती है, तो इसमें कील लगाना बहुत ईजी रहता है। यहाँ हमने इस लकड़ियों का स्टैंड बना के रखा है। नीचे की तरफ हमने दो लकड़ियाँ लगाई है और साइड पे भी हमने दो लगाई है। इसको हमने कील पहले से ही लगा रखे थे। मैं आपको ये वीडियो में नहीं बता रही हूँ, तो आपको इतना बता देती हूँ कि लकड़ियों को इस तरह से हमें लेना है, जो लकड़ियाँ इक्वल हो सबसे पहले उन्हें कील लगा के लगा लेना है। उसके बाद इस साइड से ऊपर की तरफ के लिए लकड़ी लगानी है और इसी तरह एक इस साइड से लकड़ी लगानी है। तो उसके बाद हमने एक इस तरह की बारीक स्टिक ली है, इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। जब ये झूला रेडी हो जाएगा उसके बाद हम इस स्टिक को अटैच करेंगे। सबसे पहले हमने जो नीचे का कवर तैयार करके रखा है, इसको हमने रिबन के साथ कवर करना है। इसके लिए हमने व्हाइट और रेड कलर का बारीक रिबन लिया है, इसके साथ हम इसे कवर कर लेंगे। मैं आपको इस लकड़ी के ऊपर बता रही हूँ इस तरह से हमें रिबन लगाना है। सबसे पहले हमें नीचे की तरफ रिबन लगाना है व्हाइट कलर का, उसके बाद हमें रेड कलर के रिबन का यूज़ करना है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर हमें ग्लूगन लगानी है इस तरह से। साइड पे हम ग्लू गन लगा रहे हैं और यहाँ से हम इस रिबन को इस तरह से कवर करना स्टार्ट करेंगे। बस हमें स्टार्टिंग में ग्लू गन लगानी है, उसके बाद हमें इस तरह से राउंड करते हुए इसे रिबन के साथ कवर कर देना है। आप चाहें तो इसे कपड़े के साथ भी कवर कर सकते हैं, आप कोई भी दो कलर के कपड़े ले सकते हैं। हमने जो अपनी पहली वीडियो में झूला सिखाया था उसमें हमने जो सिल्की कपड़े होते हैं उसके साथ कवर किया था, हम उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। लास्ट तक कवर करके इसको हम कट कर देंगे और यहाँ से हम ग्लू गन लगा के इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हमने स्टिक को कवर कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर हमने रेड रिबन लगाना है। रेड रिबन लगाने के लिए भी यहाँ स्टार्टिंग में हमने ग्लू लगाई है इस तरह से। इस तरह से इसे हमने जो इस रिबन को कवर करना है इसे हमने दूर दूर कवर करना है थोड़ा, तो उसके लिए हम इस तरह से राउंड करेंगे ताकि नीचे वाला जो व्हाइट रिबन है वो भी दिखाई दे। इस तरह से हमने स्टिक को कवर कर लिया है। इसी तरह से हमने जो झूले का स्टैंड बनाया है उसे भी हमने रिबन के साथ कवर कर लेना है, इन स्टिक्स को भी, और नीचे का ये जो हिस्सा है इसे भी हम कवर करेंगे। इसे हमने कवर कर लिया है, स्टैंड को भी और स्टिक को भी जो हमने ऊपर की तरफ लगानी है। इसके बाद हमने जो इसकी सीप बनानी है उसके लिए हमने इस तरह का स्पंज का पीस लिया है और इसके पीछे की तरफ हमने कार्डबोर्ड पेस्ट करके रखा है। आप भी इसी तरह से कार्डबोर्ड पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डबल स्पंज के टुकड़े नीचे थर्मोकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो पहले झूला सिखाया था उसमें हमने थर्मोकॉल से इसकी सीट बनाई थी, यहाँ हम कार्डबोर्ड और स्पंज से बना रहे हैं, तो ये काफ़ी सॉफ्ट रहती है कान्हा जी के लिए। तो इसको हम कवर करने के लिए रेड कलर का कपड़ा ले रहे हैं, जिसके साथ हम इसको इस तरह से गम लगा के ग्लू गन के साथ इसको हम पेस्ट कर लेंगे। अच्छे से कवर करके इसे हम पेस्ट करेंगे, इस तरह से ये सीट तैयार हो जाएगी। फिर सीट बनाने के बाद इसके बैक पे जो हमने इस तरह से इसकी इस तरह से बनानी है इसको भी हम कवर करेंगे रेड कलर के कपड़े के साथ, और इसी तरह के स्पंज के हमने दो छोटे टुकड़े कट करने हैं जो इस साइड पे लगेंगे। ये जो सीट है फिर इसका सोफे जैसा लुक आ जाएगा। ये बैक के लिए ताकि कान्हा जी इसके ऊपर कंफर्टेबली बैठ सके। दोनों साइड पे भी हम इसी तरह के स्पंज के पीस ही कट करके लगाएंगे, इसे भी हम रेड कलर के कपड़े के साथ ही कवर करेंगे। और आप चाहे तो जैसे हमने यहाँ पर व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन दिया है, ऐसे ही आप सीट के ऊपर भी व्हाइट कलर का दूरी पे थोड़ा रिबन लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आपको लगाना है या नहीं। ये हमने बैक के लिए तीन पीसेस तैयार कर लिए, इसे हम इस तरह से पेस्ट करेंगे, दो इस साइड पे और एक ये पीछे की तरफ आएगा।
और एक इस साइड पे आएगा। इस तरह से हम इन तीनों पीसेस को पेस्ट कर लेंगे और ये कान्हा जी के बैठने के लिए जो आसन है वो तैयार हो जाएगा। इसे हम बाद में झूले के अंदर फिट करेंगे। इसका हमने आसन बना दिया है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इस आसन के साथ हमने इस तरह की लैस का यूज़ करना है इस झूले के ऊपर से लगाने के लिए। आप चाहें तो रिबन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की लैस नहीं है। वैसे ये बहुत पक्की होती है, तो कान्हा जी को अगर आप झूला भी दिलाएंगे तो इसे टूटने का कोई डर नहीं रहता है। आप रिबन ले लीजिए, रिबन भी अच्छा रहता है अगर आप वो लेना चाहते हैं तो। इसकी हमने यहाँ से इस तरह की दो लड़ियाँ कट करनी है एकदम लंबाई में, जो झूले के ऊपर से कवर कर सके। इस तरह से हमने इसकी दो स्ट्रिप कट कर ली हैं। यहाँ से हम पीछे की तरफ से पेस्ट करेंगे, जो हमने यहाँ से स्पेस छोड़ी थी यहाँ से हमें लगाना है इसे। इस तरह से हमने यहाँ पे ग्लू लगाई। इसे लगा देंगे इस तरह से और इसे यहाँ टर्न करते हुए दूसरी साइड पे यहाँ लगा देंगे। से एक स्ट्रिप आ गई है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे भी एक और स्ट्रिप लगा देनी है इसी तरह की सेम, वो भी हम पीछे की तरफ से ही पेस्ट करेंगे। इन दोनों स्ट्रिप्स को लगाने के बाद इसके अंदर से हम निकालेंगे इस तरह से। इसे चाहे तो हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इस वाली स्ट्रिप को हमने जो स्टैंड बनाया है उसके साथ लगा लेंगे यहाँ पर। इसे भी हमने पेस्ट ही करना है। अच्छे से पेस्ट कीजिएगा अच्छी ग्लू लगा के, ताकि ये उतरे ना। इस तरह से इसने हमें लगा दिया है। बाद में इसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे। बाद इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए हमने इस तरह के ये देखिए रिबन के साथ फ्लावर बनाए हैं। मैंने ये रिबन किस तरह से फोल्ड करना है अपनी पहली वीडियो में एक ड्रेस पे भी सिखाया था, बस उसी तरह से इसको लगाते हुए हमने रिबन को अटैच कर लिया है। फ्लावर की लुक दी है ये, हम इस तरह से इसके ऊपर लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम तीन फ्लावर्स लगाएंगे, पेस्ट कर देंगे एक सेंटर में एक कॉर्नर पे। और यहाँ पर हमने इस तरह की आर्टिफिशियल लीव्स लगाई हैं। इस तरह की आर्टिफिशियल लीव्स लेनी है, ये मैं इसके ऊपर भी डेकोरेट करने वाली हूँ इस लीव्स के साथ। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप डेकोरेशन किस तरह की करना चाहते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ लेकर, किसी भी तरह के फ्लावर लेकर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से इसकी हमने डेकोरेशन कर दी है। ये झूला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू।